52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर बार 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देश दुनिया की ताज़ा सटीक और सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए बड़े, बहुत ही बड़े ऐलान। अब आम जनता के लिए बेहद ही बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी, आज 11 बजे से नियम लागू। अगर आप एक LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, अगर आप एक बिजली बिल उपभोक्ता हैं, अगर आपके घर में कोई इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहद ही अहम खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। तो देश दुनिया के ताजा सिलेक्टेड काम की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी अभी आई बड़ी खुशखबरी, आम जनता को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कर दिए बहुत ही बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिए बहुत ही बड़ा ऐलान। देश दुनिया की ताजा और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 5 से 6 लाभ लेना चाहते हो इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर, तो आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको 10 से लेकर 15 लाभ जो है वो अवश्य मिलेंगे। वैसे 5 से 6 लाभ ऐसे जो व्यक्ति को मिलेंगे और 10 से 15 लाभ ऐसे हैं जो किसी किसी को मिलेंगे, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे अगर आप, तो आपको लाभ मिलने के चांस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बेहद ही बड़ी खुशखबरी, बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बारे में। बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल आ चुकी है। अगर आप एक LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता धारक हैं, आपके घर में एक LPG का गैस सिलेंडर सरकार की तरफ से फ्री दिया गया गैस सिलेंडर है, तो आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल आ चुकी है। अब महिलाओं के खाते पर ट्रांसफर होगी, 225 की जगह 250 रुपये की सब्सिडी उनके खाते पर ट्रांसफर की जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सिलेंडर को अपने बुक करना है और 250 रुपये की सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल आ चुकी है। लेकिन सब्सिडी के साथ साथ आपको एक LPG का गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। लेकिन किन महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको एक फ्री LPG का गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा? अगर जिन महिलाएं, जो भी महिलाएं एक साल में 12 सिलेंडर उपयोग करती हैं, यानी कि 12 सिलेंडर ले चुकी हैं, उन महिलाओं को लगभग आप मान लीजिए एस्टिमेट लगा करके जिनके खाते पर सब्सिडी भी आती है, तो उन महिलाओं को एक LPG का गैस सिलेंडर दीपावली से पहले पहले फ्री दिया जाएगा। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, तो आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। देश दुनिया की ताज़ा और सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी 5 से 6 लाभ ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठोगे, नाच पड़ोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए बड़े ऐलान। अभी अभी आई ब्रिग बेकरी न्यूज, लाइव आकर के मोदी ने किए बड़े ऐलान, डीजल पेट्रोल पर घटेंगे दाम। सबसे पहले हम बात करते हैं राशन कार्ड धारकों के लिए। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, भले ही चाहे आपके पास BPL, APL, अंत्योदय, रिसीविंग, पीला लाल, कैसा भी राशन कार्ड हो, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, तो आप लोगों की बल्ले बल्ले, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुशी से झूम उठोगे और लोगों के पास जरूर शेयर करोगे। क्योंकि राशन, जैसा कि आपको एक महीने में सिर्फ एक ही बार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चुनाव आ चुका है, चुनाव सर पे है 2024 का, उससे पहले दीपावली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार से पहले पहले एक महीने में 2 बारी राशन मिलेगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है आम जनता के लिए, एक महीने में 2 बारी राशन। अब गरीब आदमी, गरीब जनता खुशी से झूम उठाए, मुझे पता है, क्योंकि एक महीने में 2 बारी राशन, लेकिन दूसरी बार जब आप राशन लेने जाओगे तो आपको 5 से 6 चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है, 5 से 6 चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमगदी नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री आपके हाथ में दी जाएंगी। अगर आप गेहूं और चावल लोगे, तो आपको चीनी 3 किलो, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, रिफाइंड चने का पैकेट और हमारा शुद्ध सही नमक आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अब ये योजना सभी के लिए जिनके पास राशन कार्ड है। अब हम बात कर लेते हैं बिजली बिल उपभोक्ताओं के बारे में। जो बिजली बिल उपभोक्ता हैं हमारे, जो बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बहुत ही जल्द बिजली का बिल माफ़ करने वाली है। आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी, सरकार अब बिजली का बिल करेगी माफ़। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली अपने घर में खर्च करते हो, 200 यूनिट की बिजली तक प्रयोग करते हो, तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नियम किन किन लोगों के लिए लागू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मेरे माताओं बहनों, भाइयों बहनों,
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हो तो आपको उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। दोनों 200 यूनिट के अगर पार आप बिजली खर्च करते हो, जो भी लगभग 50-60 यूनिट 200-250 यूनिट खर्च करते हो, तो उसका आपको यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। 200 यूनिट का आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया बहुत ही बड़े ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में अब धीरे धीरे ये नियम लागू होंगे। कहीं कहीं पर लागू हो रहे हैं, कहीं कहीं पर नहीं हुए हैं। आपके राज्य में हुए हैं कि नहीं हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य कौन से ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, बैंक की पासबुक है और आपके पास राशन कार्ड है, तो आप लोगों को ये सुविधा जरूर मिलेगी। अब मैं आपको बता दूँ, बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है महिलाओं के लिए। जो महिलाएँ घर में मुखिया हैं, इनके नाम पर राशन कार्ड है, उन महिलाओं की बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके खाते पर ट्रांसफर किए जाएंगे दीपावली से पहले पहले 2,000-2,000 रुपए। जी हाँ, बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। महिलाओं के खाते पर 2,000-2,000 रुपए करके दो किस्तें यानी कि 4,000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बेहद ही बड़ी खुशखबरी, अब महिलाओं को नहीं दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उन महिलाओं को जब पैसे मिलेंगे तो उस पैसे से त्यौहार में अच्छी खुशियां मनाएंगे। क्योंकि बहुत ही गरीब माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने खाते से ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के लिए 2,000-2,000 रुपए। बेहद ही बड़ी खुशखबरी, अब महिलाओं के चेहरे पर खुशी की माहौल छा जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर करी घोषणा, दीपावली से पहले पहले कर सकते हैं महिलाओं के खाते पर 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जो किसान काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा, अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में दीपावली से पहले पहले 15वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। लेकिन किन किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, कि आपके होगी कि नहीं होगी, या आपके होगी कि नहीं होगी, या दूसरों के होगी, तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना पड़ेगा आपको 15वीं किस्त लेने के लिए। क्योंकि 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं बल्कि 4,000 रुपये 2,000 करके ट्रांसफर किए जाएंगे। आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़े ऐलान कर दिए हैं, अब किसानों के खाते पर 2,000 करके 4,000 रुपये 15वीं किस्त के ट्रांसफर किए जाएंगे, वो भी दीपावली से पहले पहले, ताकि वो अपना खर्चा निकाल कर चला पाएँ, अच्छे से त्यौहार मनाएं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, 15वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जो किसान भाई EKYC बोर भूले का सत्यापन कंप्लीट करा लिए हैं, जिनका कागजी काम कंप्लीट है, उन किसानों के बैंक अकाउंट में 15वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा और ये किस्त दीपावली से पहले पहले आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर ये निकल कर आ चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के। अगर आपके घर में आपका कच्चा मकान है, आपके पास कोई वाहन नहीं है, आपका शहर में प्लॉट नहीं है, आपके पास 2-4 बीघे ज़मीन है, तो आप लोगों को एक एक आवास यानी कि 2,500,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और आपको बिल्कुल आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कठपुतली नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधे आपके अकाउंट में 2,500,000 रुपए की जो किस्त है वो डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी एक बटन दबाकर। लेकिन ये जो है योजना निकाल दी गई है, आपके राज्य में धीरे धीरे आने वाली है, क्योंकि पीएम आवास योजना है वो बहुत ही बढ़िया योजना है। अब हर घर बनेंगे पक्के, कोई घर झोंपड़ी वाला नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अब किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, आम जनताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम आवास योजना का जो है फॉर्म बहुत जल्दी अप्लाई होंगे। आप ज़रूर उसमें अप्लाई कर देना ताकि आपका लिस्ट में नाम आ जाए, अगर आपका कच्चा मकान है तो वो जल्द से जल्द बन सके। अब मैं आपको बता दूं, लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे हर महीने 1,000 से लेकर 1,500 रुपये। जी हाँ, राजस्थान की सरकार ने लगभग ये नियम लागू कर दिया है। आपकी तरफ हुआ है कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अब हर लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र छात्रा इंटरमीडिएट हैं या हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, या जो 2024 में पास करेंगे, या जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2024 में परीक्षा पास करेंगे, उन छात्र छात्राओं को एक स्मार्टफोन और जो लाडली बहनों को एक स्कूटी और एक साइकिल परसेंटेज के हिसाब से दी जाएगी। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। मैं आपको बता दूँ, पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी ट्रांसफर की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने कर दिया हाई अलर्ट, कुछ राज्यों में हो सकती है भयंकर बारिश। जी हां, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन लगभग
कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। लगभग दीपावली से पहले पहले 2 से 3 बारी हो सकती है भयंकर बारिश। फिलहाल पल पल के अपडेट और सही जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता जो भी महिलाएं, उनके खाते पर 250 की जगह अब 300 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी और उनको 1 LPG का गैस सिलेंडर दीपावली से पहले पहले दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ना किसी बिचौलिया ना किसी झंझट। आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपए लोगों को दिए जाएंगे। बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक बिजली माफ है। 200 यूनिट के पार अगर आप जाते हो तो आपको सिर्फ उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने बहुत ही बड़े ऐलान कर दिए हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में नियम बहुत ही जल्द लागू हो रहे हैं। किस राज्य किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपके राज्य आपके जिले की खबर लेकर के आ पाऊँ। पल पल के अपडेट से जानकारी पाने के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी अन्नदाताओं को, किसान भाइयों को, देशवासियों को जय हिंद जय भारत।